एक कोरियन सीरीज ये भाई जिनकी इमोशन से हम 100% कनेक्ट हो पाते हैं। यूनिक फ्रेश क्रिएटिविटी हर एक चीज को बारीकी से सीरीज में इंप्लीमेंट करना इनकी सीरीज को सबसे अलग बनाती है। इनकी सबसे बड़ा खासियत है पिछले सीरीज की कॉन्सेप्ट से दूसरे सीरीज की इमेजिनेशन सीरीज की कॉन्सेप्ट उससे भी एक लेवल ऊपर होगा। और पिछले कुछ दिनों में कोरिया ने हमारे सामने ऐसे ऐसे खतरनाक जबरदस्त कॉन्टेंट रख डाला कि उनकी सीरीज देखने के बाद कोई और सीरीज देखने का मन ही नहीं करता। तो आज के रिव्यू में ऐसे ही जबरदस्त खतरनाक टॉप 7 ओनली बेस्ट कोरिया की वेब सीरीज लाए हैं जिनकी कॉन्सेप्ट एक से बढ़कर एक होगा। और खुशी की बात है इस वीडियो में भी कुछ बोनस सीरीज के बारे में बताएंगे जो हमेशा की तरह इस लिस्ट से भी एक लेवल ऊपर होगा। तो बोनस सीरीज को कभी भी मिस मत करिएगा। ऐसे ही सिर्फ क्वालिटी कंटेंट हम ढूंढ कर आप तक लाते रहते हैं। बस आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाते हुए जाइएगा। और लेटेस्ट अपडेट के लिए टॉप रिव्यू टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिएगा। तो चलिए एक बार फिर से कोरियन सीरीज को एक्सपीरियंस करते हैं। नंबर 5 की कोरियन सीरीज अगर आपने समथिंग अबाउट 1% देखा है तो ये सीरीज आपको फ्रेश वे में फिर से एक्सपीरियंस कराएगी। 2018 की सुपर हिट कोरियन रोमांस ड्रामा के साथ माय कॉन्ट्रैक्टेड हस्बैंड मिस्टर ओ एक फेक रिलेशनशिप से स्टार्ट हुई लव स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होती है। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है नंबर 5 की सीरीज। लीड एक्ट्रेस अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट होकर और उनके साथ कुछ मिस्टीरियस घटनाएं की वजह से एक फेक हस्बैंड बनाकर ले आती है। उसके बाद से सीरीज शुरू होता है धीरे धीरे करके लव वाला वो स्टोरी। और सच में ऐसी फेक रिलेशनशिप से स्टार्ट हुई लव स्टोरी देखने में मजा बहुत आता है। इस सीरीज को बिना डॉट किए देखिए, आपको एक पल के लिए भी बोर नहीं करेगी। सीरीज फ्री में हिंदी डबिंग के साथ एमएक्स प्लेयर पे अवेलेबल है। नंबर 4 की कोरियन सीरीज। ऐसी सीरीज से हम ऑडियंस काफी कनेक्ट हो पाते हैं जिसमें स्कूल बेस्ड रोमांस ड्रामा हो, ऊपर से कोरिया के हो, उनकी स्वैग उनकी एटीट्यूड हो तो पूछिए मत, क्या ही बताएं, स्क्रीन से नजरें नहीं हटती। सीरीज थोड़ी पुरानी है पर इनके वो स्कूल वाली स्वैग और वो एटीट्यूड में दम है। 2009 की सुपर हिट कोरियन स्कूल रोमांस ड्रामा के साथ बॉयज बिफोर फ्लावर। सीरीज की स्टोरी एक गरीब लड़की की है। उसके गुड लक की वजह से उसे एक अमीरों के स्कूल में एडमिशन हो जाता है जहां सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ा करते हैं। वहां पे स्कूल के पावरफुल F4 चार हैंडसम लोगों से मिलती है। कहानी में ट्विस्ट ये है कि इन चारों से उसे प्यार हो जाता है। ऐसी सीरीज कितनी इंटरेस्टिंग होगी ना, एक कोई को पाने के लिए चार कोई कोशिश करे, सीरीज कितनी रोमांटिक होगी। और सच में सीरीज आपको एक पल के लिए भी कहीं पे बोर नहीं करती। सीरीज नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, मिस मत करिएगा। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 1 की सीरीज। हम सभी जानते हैं कोरिया की इमेजिनेशन उनकी क्रिएटिविटी में कुछ डिफरेंट होता ही है। 24 घंटे की मिशन चांद पे जाकर एक ऐसे पानी को ढूंढना है जो पूरे दुनिया को बचा सकता है। क्या सच में जब इसके पीछे का मिस्ट्री पता चलता है तो आपकी दिमाग घूम जाती है। 2021 की जिसे हाल ही में नेटफ्लिक्स पे हिंदी में रिलीज किया गया साइफाई मिस्ट्री थ्रिलर के साथ द साइलेंट सी। ऐसी यूनिक और खतरनाक सीरीज को एक ट्राई जरूर दीजिएगा। सीरीज नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर 3 की कोरियन सीरीज की इमोशन इतना टाइट है भाई, इतना टाइट है कि एंड तक आते आते एक पत्थर दिल को भी रुला देगी भाई। क्या ही कैरेक्टर की बीच की वो इमोशंस है। 2019 की नेटफ्लिक्स की सुपर डुपर हिट रोमांस ड्रामा के साथ क्रैश लैंडिंग ऑन यू। ये हम सभी जानते हैं कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया की आपस में नहीं बनती, एक ही देश में दो दो गवर्नमेंट का रूल और इन दोनों का आपस में नहीं बनती। साउथ कोरिया के लोग गलती से नॉर्थ कोरिया चले गए तो उसे गोली मार दिया जाता है। ऐसे में पैराग्लाइडिंग करते वक्त हमारी एक्ट्रेस साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया में लैंड हो जाती है। वहाँ एक आर्मी सोल्जर उन्हें पकड़ ले जाते हैं। उसके बाद से शुरू होता है इन दोनों के बीच वो धीरे धीरे करके वो लव वाला इमोशंस। उसके बाद से ये सीरीज देखने का इंटरेस्ट पीक पे ले जाती है। इसके एंडिंग में इतना दम है कि आपको रुला कर छोड़ेगी। रोमांस ड्रामा सीरीज देखना पसंद है तो इस सीरीज को जरूर देखिएगा, नेक्स्ट लेवल की एक्सपीरियंस कराएगी। सीरीज नेटफ्लिक्स की आउटस्टैंडिंग हिंदी डबिंग के साथ आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। नंबर 2 की कोरियन सीरीज। यार ऐसी सीरीज को हम ऑडियंस सीरीज नहीं इमोशंस बोलते हैं, वो भी फुल इमोशनल वाला इमोशंस। इस सीरीज ने प्रूफ कर दिया कि एक माँ की ममता और एक बच्चे की बीच की वो प्यार इस संसार में कोई दूसरा नहीं। 2018 की सिर्फ कोरियन सीरीज नहीं यार, हम ऑडियंस की इमोशंस ही था 9.1 IMDb रेटिंग के साथ मदर। एक मासूम से बच्चे पे हो रहे चाइल्ड अब्यूज देखने के बाद एक टीचर के सारे सीमाएं हदें पार हो जाती है। उस मासूम सी बच्ची की माँ बनके उसे एक सही परवरिश देने के लिए अपनी सारी ताकत लगा देती है। इस दुनिया से दूर एक एपिक जर्नी पे निकलती है। उसके बाद से सीरीज में आपको यही देखना है कि उन्हें किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, उस छोटी सी मासूम सी बच्ची ने क्या ही एक्टिंग की है। लिटरली उनकी एक्टिंग में इतना इमोशंस है कि आपको कई बार रुला देगी। मेरा मानिए तो इस सीरीज को हर एक पेरेंट्स को देखना ही चाहिए। खुशी की बात है इसे फ्री में हिंदी डबिंग के साथ
साथ आप एमएक्स प्लेयर पे देख सकते हैं। ऐसी सीरीज को मिस मत करिएगा, एक ट्राई जरूर दीजिएगा। नंबर वन से पहले बोनस नंबर टू की सीरीज। अगर कोई ऐसी इम्पैक्टफुल जॉम्बी सीरीज बना सकता है तो वो है सिर्फ कोरिया। सीरीज के बारे में जितना पता है उतना कम होगा, इतनी इम्पैक्टफुल जॉम्बी सीरीज बार बार नहीं बनती। 2019 की नेटफ्लिक्स की तरफ से एपिक जॉम्बी सर्वाइवल टोटल 2 सीजन के साथ किंगडम। बस इस सीरीज का एक ही नेगेटिव पॉइंट है, ये सीरीज हिंदी में डब नहीं है। इसे आप नेटफ्लिक्स पे सबटाइटल के साथ देख सकते हैं, और अनऑफिशियल साइट से हिंदी डबिंग देखना चाहते हैं तो इसे अनऑफिशियल साइट से हिंदी डबिंग डाउनलोड कर देख सकते हैं। नंबर वन की कोरियन सीरीज। यार इस सीरीज के बारे में क्या बताएं, इतनी खतरनाक तरीके से ये लोग सोच कैसे लेते हैं, और सोच भी लेते हैं तो इतने परफेक्ट तरीके से इंप्लीमेंट कैसे कर लेते हैं। कोई नेगेटिव पॉइंट नजर ही नहीं आता, कोई एक बंदा ना होगा जो इस सीरीज को देखने के बाद इसका नेगेटिव पॉइंट निकाल दे। जी हाँ, हम बात करें नेटफ्लिक्स पे ट्रेंडिंग कोरिया की खतरनाक जॉम्बी सीरीज 2022 की हॉरर थ्रिलर के साथ ऑल ऑफ अस आर डेड। इस सीरीज को देखने के बाद उसकी हिम्मत ना होगा कि इस सीरीज का कोई नेगेटिविटी निकाल दे। स्कूल में एकदम से अचानक जॉम्बी अटैक धीरे धीरे करके पूरे शहर में हड़कंप मचा देती है। ऐसी कॉन्सेप्ट सिर्फ सुन के ही पूरे बॉडी में थ्रिल भर जाता है। जॉम्बी सीरीज देखने में भाई एक अलग ही एक्सपीरियंस, एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलती है। ऊपर से कोरिया की क्रिएटिविटी हो और आउटस्टैंडिंग हिंदी डबिंग हो, ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलता है ना, तो वो सिर्फ सीरीज नहीं भाई इमोशन बन जाती है। बेहिचक सीरीज को देखना चालू करिए। 12 एपिसोड एक एक घंटे से भी ज्यादा होने के बावजूद भी ये सीरीज कहीं पे बोर नहीं होने देती। ऐसी खतरनाक सीरीज को ना देखिएगा तो क्या देखिएगा। ऐसे ही खतरनाक कंटेंट हम ढूंढ के आप तक लाते रहते हैं भाई लोग। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाते हुए जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।